हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अशोक गहलोत का चल गया जादू, बन गए पार्टी के पायलट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सवालों का सामना करने में जुट गए हैं, तो पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में सत्याग्रह कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व पर आए इस संकट और केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ पार्टी के नेता एक मंच पर आकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। इस बीच पार्टी में अशोक गहलोत के बढ़ते दमखम ने भी राजनीतिक जानकारों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह अशोक गहलोत ने अपना जादू दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को मात दी, उसके बाद से राजस्थान के मुख्यमंत्री का कद पार्टी में बढ़ गया है। दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पार्टी कार्यक्रमों में भी गहलोत की बड़ी ताकत को महसूस किया जा सकता है। यूं तो पिछले कई सालों में लगातार अशोक गहलोत ने पार्टी में अपनी स्थिति मजबूत की है, लेकिन राज्यसभा में 3 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद जिस तरह उन्होंने पार्टी की नाक बचाई, उससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व का भरोसा भी उन पर बढ़ गया है। सूत्रों की माने तो सोनिया गांधी के करीबी सलाहकार अहमद पटेल की मौत और कई बड़े नेताओं के बागी समूह G23 में चले जाने के बाद गहलोत गांधी परिवार के बेहद खास हो चुके हैं। पिछले महीने उदयपुर चिंतन शिविर के वो मुख्य आयोजक रहे, तो राहुल गांधी सोनिया के खिलाफ ईडी के कार्रवाई के खिलाफ भी सबसे अधिक मुखर नजर आए। अशोक गहलोत को राजनीति का जादूगर का नाम यूं ही नहीं दिया जाता है। 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन चुके अशोक गहलोत उन चुनिंदा नेताओं में शामिल है जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ राजनीति की शुरुआत की थी, और वो अब राहुल और प्रियंका का भी भरोसा जीतने में कामयाब रहे हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल प्रियंका के दौर में भी गहलोत का जादू बरकरार रहा है। बताया जाता है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे ने गहलोत को पहले से अधिक मजबूत कर दिया है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत की मर्जी के बिना कोई भी बदलाव और अधिक मुश्किल हो गया है। जागरूक टीवी के लिए जयपुर से नीरज दवे की खास रिपोर्ट।